सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का फिर से एक नए वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अगर आप प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, किस प्रकार से पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के लिए आवेदन करना होता है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि आप आवेदन कैसे करेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीज़ें एकदम आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन आवेदन करना एकदम 101% सिखा के ही जाऊँगा। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। ठीक है, बैक होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आप गूगल क्रोम से ओपन कर सकते हैं या गूगल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको pmmvy.nic.in लेके सर्च कर देना है। अब जैसे ही इस पे सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जो इसका ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो ऑफिशियल पेज है आप लोग इस पर आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो जो जो भी आंगनवाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं सारी चीज़ें मैं क्लियर करके समझाऊँगा कि किस प्रकार से लॉगिन करना है, किस प्रकार से आवेदन करना है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो विभाग से यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा उस यूज़र आईडी पासवर्ड को यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विभाग से पुराना वाला पासवर्ड दिया गया है इस प्रकार से TEST@123, अगर इस प्रकार से आपको विभाग की ओर से पासवर्ड मिला है तो इस पासवर्ड पे आप लोग काम नहीं करें, आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। वो पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आप लोग यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे जो विभाग से मिला होगा, ANG, और उसके बाद आपका यूनिकोड, वो आपको आईडी यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, फिर वहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आप लोग पासवर्ड बनाएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और यूज़र आईडी यहाँ पे लिखेंगे, और जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ पे सेम टू सेम वही कैप्चा कोड आपको डाल लेना है। जैसा लेटर दिया गया है, बड़ा लेटर दिया गया है तो बड़ा लेटर, छोटा लेटर दिया गया छोटा लेटर, और कोई नंबर वगैरह दिया गया है तो नंबर आपको उसी प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर लिया है। अगर आपको कोई भी कैप्चा कोड समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दूसरा कैप्चा कोड मंगा सकते हैं और उसको यहाँ पे भर सकते हैं। तो लॉगिन वाले पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो जब आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म भरने जाएंगे, लॉगिन करने के बाद आपको अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको एक बार वेरीफाई कराना होगा, फिर उसके बाद आप लोग यहां पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहां पे डाल लेनी है। आपको यहां पे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके पहले ही आप लोगों को OTP फिल कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर OTP डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल लिया है, और डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर आसानी से लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि आप लोग पहले बच्चे के लिए आवेदन करना चाहते हैं या दूसरी बच्ची के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन आपको सारी चीज़ें समझा के जाऊँगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें डाटा एंट्री, सर्च बेनिफिशियरी, रिपोर्ट्स, इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, डाटा एंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन कर लेना है।
चलिए हम यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप जिस भाषा में यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हिंदी में ही है, तो हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म है वो भरना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लाभार्थी का पंजीकरण, यानी कि जिस लाभार्थी का आप आवेदन करेंगे उसका यहाँ पे पंजीकरण करना है, सारी डिटेल्स भरनी है, किस प्रकार से भरनी है आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है। यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली नहीं सिलेक्ट मिलेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आवेदन के लिए यानी जिस लाभार्थी का आप आवेदन करने वाले हैं उस लाभार्थी से पूछ लेना है कि पहले बच्चे के लिए करना है या दूसरी बच्ची के लिए करना है। अगर पहले बच्चे के लिए करते हैं तो अगर वो गर्भवती महिला है तो यहाँ पर आप लोगों को जो संख्या है वो 0 दर्शानी होगी। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं और लाभार्थी गर्भवती है तो आप लोग यहाँ पे 0 सिलेक्ट करके उसका आवेदन कर सकते हैं। अगर उस लाभार्थी का जो बच्चा है वो जन्म ले चुका है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए आप लोग यहाँ पे 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे उसका प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी बालिका है उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दूसरी बालिका पे क्लिक करना होगा। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दूसरी बालिका का ही आवेदन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बालिका वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जीवित बच्चों की संख्या में क्या करनी है कि यहाँ पर 2 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 2 सेलेक्ट करेंगे यानी कि पहले बच्चे का जो आवेदन है वो पहले लिया जा चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दूसरी बच्ची का जो आवेदन कर रहे हैं इसमें हम लोग को संख्या 2 दर्शानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपसे पूछ रहा है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस लाभार्थी का हम लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उसका नाम हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे। चलिए हम यहाँ पे नाम आपको दर्ज करके दिखाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को नाम दर्ज कर लेनी है। दर्ज करने के बाद आपको आगे क्या करना है, आधार संख्या डालना है उस लाभार्थी का। तो आप लोग आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आधार चलिए हम आपको डाल के दिखाते हैं। आधार संख्या डालने के बाद आपको यहाँ पे जन्म की तारीख पे या कहीं पे भी क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो है आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप खुल के आ जाएगा, देख सकते हैं। आधार इज नॉट ऑथेंटिकेट, इफ़ आधार इज करेक्ट प्लीज इंटर करेक्ट नेम। यानी कि यहाँ पर जो नाम हम लोग डाले हैं यहाँ पर नाम गलत बता रहा है, ठीक से हम लोगों को नाम यहाँ पर डाल लेना है। चलिए हम फिर से यहाँ पर नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नाम डाला हुआ है वो कुसुम देवी नहीं बल्कि कुसुम कुमारी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि अब आधार जो डाला गया है, जो नाम डाला गया है वो एकदम सही है। यहाँ पे जो पॉपअप खुल के आया है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जन्म की तारीख डालना है कि उस लाभार्थी का जो जन्म की तारीख है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे जन्म की तारीख डाल लिया है। जन्म की तारीख डालने के बाद जो उम्र है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद श्रेणी सिलेक्ट करना है कि ये जो लाभार्थी है वो किस कैटेगरी से आती है। यहाँ पे कैटेगरी खुल के आ जाएगा अदर्स SC और ST, तो जिस कैटेगरी से वो लाभार्थी आती है उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मांगेगा, तो हमें मोबाइल नंबर उस लाभार्थी का डाल देना है। मोबाइल नंबर में आप लोगों को गलती नहीं करनी है क्योंकि आप मोबाइल नंबर से ही लाभार्थी का जो डिटेल्स है वो पता कर सकते हैं। पहले आधार नंबर से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो खुल के आता था, बट अब यहाँ पे जो प्रोसेस है थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो नंबर आप लोग दे रहे हैं वो किसका है, सेल्फ यानी उसी लाभार्थी का है, हस्बैंड का है, मदर का है, किसका है यहाँ पे आप लोगों को दर्शाना है। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पात्रता प्रमाण पत्र, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि उस लाभार्थी का डॉक्यूमेंट आपको कौन सा देना है। यहाँ पे 8 से 9 डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा, इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर लाभार्थी के पास ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड डालेंगे, अगर लाभार्थी के पास आय प्रमाण पत्र है तो वो डाल देंगे, अगर लाभार्थी के पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो डालेंगे, अगर उस लाभार्थी का किसान सम्मान निधि का कार्ड है तो उसको डाल देंगे, बेनिफिशियरी के पास अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, BPL राशन कार्ड में नाम है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका जो है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो ज़्यादातर यहाँ पर ई श्रम कार्ड जो
महिलाएं हैं वो बनवाई रहती हैं, तो आप लोग यहाँ पे ई श्रम कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ई श्रम कार्ड पे जो पहचान संख्या होता है उसको आप लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आप ई श्रम कार्ड का फोटो वगैरह खींचे होंगे तो वो आप लोग वहाँ से उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कि आप लोगों को इसमें एनसीपी कार्ड का जो डिटेल्स होगा उसको भरना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक आ जाता है यहाँ पे आरसीएच आईडी। मैंने अपने वीडियो में देखा है कि कई सारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो पूछ रही है कि आरसीएच आईडी हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो जो आरसीएच आईडी है वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे एनएम जो टीका सुई देने आती है उनसे आप लोग बोलिएगा तो वो आपको आरसीएच आईडी प्रोवाइड करा देंगी। आप यहाँ पे आरसीएच आईडी 12 अंकों का डालना है, कम नहीं डालना है। जो आरसीएच आईडी होगा वो 12 अंकों का होगा, ठीक है। तो वो आईडी आप लोगों को उनसे ले लेना है और यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद एनसीपी कार्ड पंजीकरण तिथि, तो आप लोग जिस लाभार्थी का यहाँ पे फॉर्म भरेंगे उनसे वो कार्ड ले लेंगे, जो टीकाकरण की कार्ड होती है उस पर एमसीपी कार्ड पंजीकरण तिथि होती है वो डालेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एलएमपी डेट डालेंगे, ठीक है। सारा कुछ उस कार्ड पे मेंशन किया रहता है। उसके बाद प्रसव पूर्व जांच एएनसी की तारीख डालेंगे। सारा कुछ डालने के बाद अब यहाँ पे क्या बच्चा पैदा हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दूसरी बालिका के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हाँ पे सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि बच्चे के जन्म की वास्तविक तिथि डालनी है जो कि आपको कार्ड पे ही देखने को मिल जाएगी, वो तिथि आप लोगों को यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या क्या है वो आपको डालनी है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एक बच्चा है या दो बच्चा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके वो ऑप्शन डाल लेनी है। उसके बाद आपसे पूछेगा बच्चे के जन्म के संस्थान का प्रकार, यानी कि जो बच्चा जन्म लिया है वो किस हॉस्पिटल में लिया है, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या होम। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी हॉस्पिटल हो वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बच्चा पैदा लिया है तो आप लोग PHC और उसके बाद उस क्षेत्र का नाम लिख देंगे, जैसे PHC छपरा या PHC पटना। इस प्रकार से जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर होता है तो उस संस्थान का आप लोग नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपसे आगे पूछ रहा है पहला बच्चा लिंग, यानी जो पहला बच्चा जन्म लिया था वो लड़का था या लड़की था, तो आपको यहाँ पे दर्शा देना है, पुरुष महिला जो भी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता में सेविका अपना पता भरेगी, यहाँ पे पूरा डिटेल्स उनका मेंशन रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे भरने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो एक और पेज खुल के आएगा जहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, बोलेगा कि आप लोग यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरे हैं उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल DK टेक्निकल ज्ञा को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।